इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लावर्स बनाना कि आप बिल्कुल इजीली फ्लावर्स बना सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरह के जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, तो फ्रेंड्स इस तरह के फ्लावर्स बनाना मैं आपको वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरह के फ्लावर्स बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस तरह के फ्लावर्स बनाना सीख लेते हैं। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, सिंपल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से आपको फैब्रिक ले लेना है। जितने आप फ्लावर्स बना रहे हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक लेना होगा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक ले लिया है। और फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पे फैब्रिक को ओपन करके रख लिया है। तो इस तरह से आपको फैब्रिक ले लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको मार्क करूँगी। इस तरह से मैं इसको 4 इंच पर मार्क कर लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 इंच पर आपको मार्क कर लेना है पूरे फैब्रिक पर। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको 4 इंच पर मार्क कर लूँगी। पूरे फैब्रिक को इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। पहले मैं इसको डॉट डॉट कर दूंगी एंड उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको डार्क मार्क लगा दूंगी। तो जी फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने 4 इंच पे मार्क कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से ले लिया है, जो मैंने यहाँ पे 4 इंच की इसकी विड्थ ली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लेंथ भी यहाँ पे 4 इंच की लूँगी। इस तरह से मैं 4 इंच पे रखते हुए यहाँ पे मार्क कर दूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चकोर टाइप का मैं यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो आपको इस तरह से डब्बे से बना देना है चकोर। आपको इसकी विड्थ भी इतनी लेनी है और इसकी लेंथ भी इतनी लेनी है 4 इंच की फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये 5 डब्बे से इस तरह से बना दूँगी और इस तरह से मैं मार्क लगा दूँगी इनको फ्रेंड्स 4 इंच पर रखते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरह से डब्बे से बना लिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आपको डब्बे से बना देने हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 5 इस तरह से बॉक्स बना दिए हैं। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंड्स इनको मैं कटिंग कर लूँगी। जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इनको कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको चकोर टाइप के 5 पार्ट कटिंग कर लेने हैं। तो जितने आप फूल बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको ये पार्ट कटिंग करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 8 फूल बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स ये 1 फूल के लिए इस तरह से पार्ट कटिंग कर लिए हैं। 4 इंच की विड्थ और 4 इंच की लेंथ रखी है। तो मैंने 5 पार्ट फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। तो इन 5 पार्ट से फ्रेंड्स हमारा 1 फ्लावर्स बनेगा। इस तरह से मैं बाकी के पार्ट को भी कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 8 फ्लावर्स के लिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पार्ट्स को कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 फ्लावर्स के लिए 5 पार्ट कटिंग किए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए मैंने इनको कटिंग कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्लावर्स को बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, सिंपल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 फैब्रिक इस तरह से ले लिया है। 5 जो हमारे पार्ट है 1 फ्लावर के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स ये दोनों कोने आपको इस तरह से रखने हैं और दोनों कोनों को इस तरह से फोल्ड कर देना है डबल फोल्ड में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इन वाले दोनों कोनों को मिला दूँगी। तो मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब 4 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नीडल ले लूँगी। तो नीडल में मैंने इस तरह से धागा डाल लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से कोने से इसको पकड़ूंगी और कोने से पकड़ते हुए फ्रेंड्स इसमें मैं नीडल इस तरह से डालूंगी। इस तरह से डालते हुए नीडल फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बड़े बड़े टाके लगा लूँगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा गैप देते हुए यहाँ पे 1 पॉइंट का गैप देते हुए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसको टाके से लगा लूँगी। बड़े बड़े से आपको टाके लगाने हैं इसमें ताकि हम इसको अच्छी तरह से खींच सकें। छोटे छोटे टाके नहीं लगाने हैं आपको। इसमें 2 पॉइंट के टाके लगाने हैं फ्रेंड्स 2 पॉइंट का गैप देते हुए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको टाके लगा दिए हैं। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे आपको इसको टाके लगाने हैं दूसरे वाले पार्ट से, जो हमारी दूसरे वाली किनारी वाली साइड थी और इस वाली किनारी वाली साइड पे आपको इसको नीडल को निकाल देना है इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से टाके लगा दी है और आप देख सकते हो मैंने इसको इतना गैप देते हुए टाके लगाए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको खींच दिया है इस तरह से। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको दूसरे वाले पार्ट को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं सेम इसी तरह से टाके निकाल लूँगी जैसे मैंने दूसरे वाले पार्ट को निकाले थे। तो आपको इस तरह से पत्तियाँ सी बना लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं 1 फूल बनाऊंगी ये 5 पत्तियों का बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने 5 पार्ट लिए थे 1 फूल के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो 2 पत्ती हमारी बनकर रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको इस पार्ट को 2 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को इस तरह से, जो हमने यहाँ पर बॉक्स वाला फैब्रिक कटिंग किया था, और 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से आपको इसमें टाके से निकाल देने हैं और इसके बाद आपको इसको खींच देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो पत्ती है ये बनकर रेडी हो जाएगी खींचते ही।
तो देख सकते हो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी एकदम सिंपल है। देखने में आपको थोड़ा टफ लगेगा लेकिन जब आप इसको बनाओगे बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आ रही हूँ इस तरह के बताए हुए तरीके से फ्रेंड्स आपको बिल्कुल इजीली इनको बना सकते हो। तो इसको भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से खींच दूंगी हल्का सा। तो ये देखे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो थ्री पत्ती है ये बन के रेडी हो गई है इस तरह से। अब सेम इसी तरह से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बाकी की जो हमारी पत्तियाँ हैं इनको भी इसी तरह से बना लूंगी। इसको फोर फोल्ड करते हुए फेब्रिक को एक कोने से आपको दूसरे कोने से मिला देना है इसको, और उसके बाद आपको इसको फोर फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। और इसमें नीडल डालते हुए इस तरह से आपको इसमें बड़े बड़े से टाके लगा लेने हैं, और इसके बाद आपको इसको खींच देना है और हमारी जो पत्ती है फ्रेंड्स बिल्कुल ईजिली बन के रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स एक फूल बना लोगे बाकी के फूल आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो फ्रेंड्स। बिल्कुल आपका जो हाथ है वो बैठ जाएगा इनको बनाने में, तो आप जल्दी भी बना लोगे फ्रेंड्स। एक फूल बनाने के बाद जो बाकी के फूल होंगे आपको आप उनको जल्दी भी बना लोगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप जितने भी फूल बनाना चाहते हो या फिर आप इनको कहीं पर भी लगाना चाहते हो कुर्ती वगैरह पर, तो इस तरह के फूल आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारी जो फाइव पत्तियाँ हैं ये कम्प्लीट हो गई है यहाँ पर हमारा जो फूल बन के। इसके बाद फ्रेंड्स मैं नीडल को इधर की साइड में इस तरह से निकाल लूँगी, इसको मैं पक्का सा कर दूँगी फ्रेंड्स तीन चार टाके निकाल के। तो जी फ्रेंड्स इस तरह के फूल आप कुर्ती वगैरह पे लगा सकते हो, कहीं पर भी आप इनको लगा सकते हो, जितना आप चाहो उतना इनको बना सकते हो फ्रेंड्स। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, और जो आपकी कुर्ती है वो भी एकदम बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगी फ्रेंड्स ये फूल लगाने के बाद इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से टाके लगा दिए हैं यहाँ पे। अब फ्रेंड्स मैंने ये बटन ले लिए हैं इस तरह से, तो बीच में मैं ये बटन लगा दूंगी इसको इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स। इसको भी मैं नीडल से यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर दूंगी तीन चार टाके निकालते हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको भी सेट कर दूंगी। तो अच्छी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिल्कुल बीच में रखते हुए बटन को सेट करना है, इधर उधर नहीं करना है ताकि जो हमारे इसके जोड़ होंगे वो ना दिखे। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको बीच में ही सेट करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे फ्लावर्स हैं ये बहुत ही अच्छे एकदम ब्यूटीफुल बनने वाले हैं, आप इनको कहीं पर भी लगा सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको टाके निकाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स इसको मैं नीचे की साइड में पक्का कर दूंगी, आपको दो तीन बार पक्का कर देना है ताकि जो फूल है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कर दिया है पक्का, और जो हमारा फूल है ये बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स बिल्कुल इजी तरीके से, आपने देखा होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप बिल्कुल जो आपके फूल है बिल्कुल इनको इजीली बना सकते हो और कहीं पर भी आप इनको लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये फूल फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बनके रेडी हो गया है, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इसका लुक आया है। इस तरह से फ्रेंड्स आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो इनको। अब फ्रेंड्स बाकी के फूल भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ यहाँ पे सेम इसी तरह से ये बटन लगाते हुए फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे फूलों को इस तरह से बना लिया है, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल जो हमारे फूल हैं यहाँ पे ये बनके रेडी हुए हैं फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स इस तरह से आप बिल्कुल इजीली इनको बना सकते हो, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इनका लुक आया है। देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन जब आप इनको बनाओगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा फ्रेंड्स आपको। तो आप खुद ही सोचोगे कि ये टफ लग रहा था लेकिन जब आपने इनको बनाया तो बिल्कुल इजी ये बनके रेडी हो गए। तो जी इस तरह से हमारे जो फ्लावर्स हैं यहाँ पे ये बनके रेडी हो गई है फ्रेंड्स फाइव पत्ती वाले फ्लावर्स। इस तरह से फ्रेंड्स आप इनको कुर्ती वगैरह पे या फिर नेक वगैरह पे भी लगा सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक लगेगा फ्रेंड्स इनको लगा करके। तो जी फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं और भी न्यू डिज़ाइन लेकर आती रहूँ आपके लिए। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।